ये किबरिया की इनायत है, ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है हुसैन की, ये मोहब्बत है और मुसलसल है को सर ये सल सबील तेरी, ये अर्श कुर्सियों को सर ये सल सबील। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका राजा डॉलर व्लॉग्स में खुश आमदीद है। और आप जैसा कि देख रहे हैं हर तरफ रौनकों का समा है। और ये जो आज इस महीने का जो अब चांद निकला है शबानुल मुअज़्ज़म का, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है और वफाओं के अलमबरदार सरकार गाजी अब्बास की जो है ना वो उनकी भी पैदाइश का दिन है। और उसी खुशी में चकशियाँ वाले जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे मशहूर जो जश्न है हमारा 3 शबानुल मुअज़्ज़म का, वो मनाने की तैयारियों में जो है ना वो पुरजोश तरीके से मशगूल हैं। और आप ये पीछे लाइटिंग देख रहे हैं, आज है 2 शबानुल मुअज़्ज़म की रात, यानी कि कल है हमारा जश्न। और आज जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसी तैयारियाँ की है शियाने हैदर करार ने, और आपको दिखाते हैं कैसी लाइटिंग हुई हुई है और किस कदर खूबसूरत ये समा है। और हर तरफ नूर नूर है, रोशनियों का समा है, खुशियों का समा है और ईद का समय। और इससे बड़ी ईद क्या हो सकती है कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। आइए आपको रौनक मेले दिखाते हैं और हमारे साथ बन रहिए। और बल्कि चैनल को यार अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी ये कोशिश आप लोगों को कैसी लगी। आए चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि क्या माहौल है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे पूरी गली को जो है ना रोशन चमकते चांद सितारों की तरह सजा दिया गया है। और ये सब देखिए आप तोड़ो तोड़ ये सजा हुआ है, और आगे की भी आपको बीच में क्लिप्स डाल देंगे, वो भी सारे आपको दिखा देंगे कि कैसे बेहतरीन तरीके से पूरा इमाम बरगाह गली मोहल्ले हर जगह जो है ना वो सजा दी गई है, क्योंकि इमाम हुसैन की पैदाइश के दिन इससे बड़ा कोई खुशी का दिन नहीं है। और आइए आप अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं कि क्या लवाजमात किए गए हैं। और अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना वो कुछ नए सिस्टम भी लगाए गए, आपको भी दिखाते हैं मस्जिद कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है। आए वो भी दिखाएँ आप। शुक्र कभी भी कज़ा नहीं होती, खुदा का शुक्र कभी भी कज़ा नहीं होती। शुक्र कभी भी कज़ा नहीं हो। जी तो भी व्यूअर्स आपने जैसा कि देखा ये अंदर क्या हॉल के अंदर पहुंच गए, और आपको बहुत खूबसूरत जो है ना पहले सिनेमैटिक शॉट इससे पहले आप देख चुके होंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ ये किसी बाहर से आगे किसी ने डेकोरेशन नहीं की। ये हमारे गांव के अपने नौजवान हैं जो दिन रात एक करके लगन के साथ
और दिन रात एक अपना जो है ना वो इधर सर्व करते हैं। और कम अज़ कम इधर जो है ना ये दो एक हफ्तों की मेहनत है, जिसके बाद जाके इतना खूबसूरत इमाम बारगाह तैयार हुआ है। अभी जो है स्टेज को फाइनल टच देना बाकी रह गए, जो कि अभी देंगे ताकि जहाँ पर सुबह अलमौर साकरीन जहाँ से खिताब फरमाएंगे और आगे देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पर या उसे ये कितना खूबसूरती के साथ जो है ना आर्टिफिशियल गुलदस्तों के साथ जो है बेहतरीन किस्म से लिखा है, और आगे वो या अब्बास भी इसी तरह लिखा गया है, और इसी तरह या अली मदद भी है, बहुत नफासत के साथ काम किया गया। और बाकी ये है कि आए आपको आगे दिखाते हैं, बार बार डीजे सिस्टम और लाइटिंग लगाई गई है, जिधर को कल केक कटिंग सेरेमनी होगी, और दिखाते हैं आपको वो भी क्या माहौल है। आए ज़रा आप हमारे साथ बंधे रहें इस वीडियो में। ये किबरिया की नायत है, ये किबरिया की नायत है, और मुसलसल है मुसलसल है हुसैन की मोहब्बत है, और मुसलसल है। जी तो व्यूअर्स ये वो जगह है जहाँ पे पीछे आलम पाक लगा हुआ है, यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल रात के टाइम जब केक लाएंगे तो यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी होगी, और उसकी तैयारी के लिए सारा ये डीजे सिस्टम लगाया गया है, ताकि जैसे लाइटिंग फ्लैश वगैरह जो है वो पड़ेगी तो फिर जो है ना वो हमारे इस केक कटिंग सेरेमनी को चार चांद लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये जो है ना कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी मेहनत के साथ लगाया गया, और ये पीछे देखिए मस्जिद को कितनी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया, उसको बताएँ। और बाकी नौजवान अभी तो मेहनत कर रहे हैं ताकि फाइनल किया जाए सारा काम, और इसके साथ ही आज के ब्लॉग को हम यहाँ करते हैं एंड। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन से आप आगाह रहें, और बंदे रहिएगा हमारे व्लॉग्स में। कल जो आने वाला एक और व्लॉग है वो भी बहुत मज़े का, तीन शुभान का, आपको सारा हम मंजर दिखाएंगे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जश्न क्यों है, और वहाँ पर क्या कुछ होता है, और कैसे कैसे सेरेमनी मनाई जाती है, केक कटिंग की सेरेमनी और आतिशबाजी और जो जो कुछ है वो आपको कम्प्लीट दिखाएंगे। लिहाजा बंदे रहें हमारे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।